बचे और बचाए, लू से बचे और बचाए। तो बच्चों याद रखना, गर्मियों के दिनों में धूप में न खेलें, क्योंकि लू लग सकती है। ठीक, ये चलो चलो बच्चों, धूप में मत खेलना और पानी पी देना याद से। धूप में नहीं खेलना। दादाजी ये आप क्या कर रहे हो? क्या हुआ गौरी को? कुछ नहीं बबली, बस गौरी को छांव में खड़ा करके उसे याद से पानी पिला रहा हूँ। लू चल रही है ना? लू चल रही है, लू चल रही है। टीचर ने भी बोला है कि धूप में मत खेलना, क्या खेलना छोड़ दे? बेटा ऐसा किसने कहा? सुबह सुबह जाकर खेलो तेज धूप आने से पहले और शाम को धूप ढलने के बाद। पर याद रहे हल्के रंग के ढीले कपड़े पहनना, सर ढक के रखना हमेशा, और पानी शरबत वगैरह पीते रहना। बस यही नहीं है, हल्का और पौष्टिक आहार भी जरूरी है इसमें। कच्चा प्याज, सत्तू और दही जरूर शामिल हो। इसके अलावा बेल का शरबत, आम का पन्ना, फलों का जूस, नारियल का पानी भी पीना बहुत अच्छा है। पर पापा तो दिन भर खेत में काम करते हैं धूप में। हाँ बेटा, उसको भी समय समय पर आराम करना चाहिए और शरबत, शिकंजी, छाछ आदि पीते रहना चाहिए। देखो दादाजी, शाम हो गई है, मैं चली क्रिकेट खेलने। ठीक है, लेकिन पहले पूरे बांह के कपड़े पहन के बाहर निकलना, ताकि मच्छर से बचाव हो। ठीक है माँ। अरे क्या हुआ, तुम सब लोग इतने उदास क्यों बैठे हो? बंटी नहीं आ रहा, वो बीमार है, उसको लू लग गई है। चाची इसको आप गीली पट्टी क्यों लगा रही हो? लू लगने से इसका शरीर ज्यादा गर्म हो गया है, इसको मैं गीले कपड़े से ठंडा कर रही हूँ और साथ ही साथ ये ORS का शरबत पिला रही हूँ। लेकिन जल्दी आराम न मिला तो उसको नजदीकी अस्पताल लेके जाएंगे। ओ लेकिन तुम लोग इतने उदास क्यों? ये लो बेल का शरबत पी। ये चलो लू चलने का एक फायदा तो हुआ। इस गर्मी के मौसम में लू से बचें और बचाएं और सुरक्षित रहें।